बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि एससी एसटी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं, यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है।